तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा था कि हम घास खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन भारत के सामने हथियार नहीं टेकेंगे। उसके अगले ही दिन पाकिस्तान के मंत्री ने हथियार भी टेक दिए और घुटने भी टेक दिए, और वही बात आज पाकिस्तान के लिए फिर से रिपीट हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब एक नया क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व फिर से गिर चुका है 245 मिलियन डॉलर, और खजाना पहुंच गया है 5.576 बिलियन डॉलर। अब क्राइसिस क्या आया है? क्राइसिस आया है एडिबल ऑयल की शॉर्टेज का। आपने पाकिस्तान के अंदर समोसे खाने हैं, बिरयानी खानी है, कुछ भी तलने वाली चीज खानी है तो उसमें एडिबल ऑयल का इस्तेमाल होता है। सब्जी बनानी है तो भी एडिबल ऑयल का इस्तेमाल होता है। आप ये जानकर हैरान रहोगे कि पाकिस्तान एक साल के अंदर 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर लेता है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान की सरकार आई है और उसने कहा है कि ये एडिबल ऑयल और ये जो घी आप दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट कर रहे हो ना, ये इसेंशियल आइटम नहीं है, और इसके चलते हम इसके ऊपर बैन लगाने वाले हैं और लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं देंगे जो व्यापारी एडिबल ऑयल दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना चाहता है। अब ये क्राइसिस खड़ा हुआ है, पाकिस्तान के व्यापारियों का माथा ठनक गया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में पाम ऑयल के जो रेट है 14,000 रुपए मूंड के हिसाब से चल रही थी, ये रेट 13,000 रुपए कभी हुआ करते थे, लेकिन ये रेट बढ़ गए तो हमने पाकिस्तान के अंदर 26 रुपए किलो लीटर के हिसाब से अपना रेट बढ़ा दिया। अब जब आपने लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करना बंद कर दिया है तो जो 3,58,000 टन का रॉ मटेरियल अवेट कर रहा है क्लियरेंस के लिए, उसमें से 10 वेसल तो कराची के अंदर और फिर बिन कासिम पोर्ट्स के अंदर खड़ी हैं, वो वहीं पर खड़ी रहेंगी। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान के अंदर रेट फिर से 15 से 20 रुपए किलो बढ़ाने पड़ेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने अगर पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना है ना, तो ऐसे नहीं है कि एक दो दिन में आ जाएगा, 60 दिन लगते हैं। 60 दिन भाई साहब, ये 60 दिनों को आप देखें तो 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने बाद वो वेसल आएगी, उस पाम ऑयल को ये अपनी फैक्ट्रियों के अंदर रिफाइन करेंगे, फिर बोतलों में पैक करेंगे, फिर मार्केट के अंदर देकर आएंगे, और फिर कोई अब्दुल करीम अपनी वो बोतल लेकर जाएगा और फिर अपनी डिश बनाएगा। अब दोस्तों, रमजान का महीना आ रहा है मार्च के महीने के अंदर, तीसरा हफ्ता होता है मार्च का जब रमजान के रोजे रखना ये शुरू कर देते हैं, और तब ये जो रेट है, डिमांड है ऑयल और घी की, और भी बढ़ जाती है, और उस सिचुएशन में क्राइसिस पैदा हो जाएगा और देश के अंदर कीमतें फिर से बढ़ेंगी। अब पाकिस्तान की सरकार भी क्या करे, वो कह रही है कि हमारे पास खजाना नहीं है, तो इस सिचुएशन में एडिबल ऑयल नहीं खाओगे तो गुजारा नहीं होगा क्या, इसीलिए उन्होंने एसेंशियल आइटम से ही बाहर कर दिया है। आप क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान की सिचुएशन के बारे में, कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।